सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त या हमारी कोई जान पहचान वाला हमसे अपना मोबाइल लेता है कि यार मुझे कुछ काम है, मुझे कोई कॉल करना है, तो दोस्तों हम ऐसे में उसको अपना मोबाइल दे देते हैं और वो हमारे मोबाइल में न जाने क्या क्या ओपन करके देख लेता है और हमें मालूम ही नहीं चलता है कि उसने हमारे मोबाइल से किस किस चीज़ को ओपन किया और किस किस चीज़ को देखा है। मगर दोस्तों आज आप इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी से जान सकते हैं कि उसने आपके मोबाइल में क्या क्या ओपन किया और क्या क्या उन्होंने आपके मोबाइल से देखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको बिना समय गवाए बता देते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप में सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है फोन phone usage यूसेज टाइम। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है फोन यूसेज टाइम। जैसे आप लिखेंगे तो आपको नीचे आ जाएगा, आपको इस पर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का आइकन वाला एक एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं दोस्तों 100,000 इसके डाउनलोडेड है और 4.1 की इसकी रेटिंग है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आइकन देख लीजिए, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले ऑलरेडी इंस्टॉल था मगर मैंने इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको अनइंस्टॉल किया है और मैं दोबारा से यहाँ से इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है और अब दोस्तों देख सकते हैं मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा तो यहाँ पे आपको टिक करके और इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों पे टिक पे आपको तीनों पे टिक कर देना है, उसके बाद में आपको बैक आना है। अब दोस्तों आपका ये एप्लीकेशन ये काम करना शुरू कर चुका है। अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। अब किसी को भी आप देंगे अगर वो कुछ भी चलाएगा तो ये एप्लीकेशन बता देगा कि उन्होंने ये चीज़ ओपन किया है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से कुछ चीज़ ओपन करके कुछ एप्लीकेशन ओपन करके और चेक करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिर मैं दूसरी चीज़ को ओपन करता हूँ, यहाँ से चलिए मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ और गैलरी को भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ से चलिए एक चीज़ और म्यूजिक प्लेयर को ओपन कर लेते हैं और म्यूजिक को भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब को ओपन करते हैं और यूट्यूब को भी यहाँ से बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चेक करते हैं कि हमारा वो एप्लीकेशन है वो काम किया या नहीं किया, यानी वो बताता है कि नहीं बताता। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसी एप्लीकेशन में जाते हैं और हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो इसने पूरी डिटेल बता दी है कि कौन से टाइप पे क्या चीज़ ओपन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube को ओपन किया जस्ट 6 सेकंड के लिए, Google Play Store को 6 सेकंड के लिए, यहाँ पे 8 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, गैलरी को ओपन किया, Google Play Store को ओपन किया। तो यहाँ से जिस चीज़ को हमने ओपन किया वो सारी की सारी जो डिटेल है ये एप्लीकेशन हमको बता रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होगा उसके बाद में आपके दोस्त या आपके कोई किसी को भी आप अपना मोबाइल देते हैं और वो क्या क्या आपके मोबाइल से देखता है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इस ये जो एप्लीकेशन है उसकी मदद से आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना।